जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही फनी ट्रिक, जिसमें हम पढ़ेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सारी रचनाओं को। ठीक है, तो आज आपको पूरा वीडियो देखना है। इससे पहले मैंने आपको साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचनाएँ याद करवा दी, व्यास सम्मान से पुरस्कृत जितनी भी रचनाएँ हैं सारी याद करवा दी, और आज मैं आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत रचनाएं प्लस साहित्यकार को कब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो सन भी आपको याद करवाने वाली। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपको देखना है और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है। जो भी साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और हिंदी साहित्य का अपना एक प्यारा सा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसके लिए आपको 9098609291 इस नंबर पर आपको SMS करना है और दोस्तों आपको जुड़ जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। फटाफट से आपको बताना है, आपका टेस्ट भी होगा और आपको ट्रिक भी बताई जाएगी। बताना है दोस्तों चिदंबरा के रचनाकार कौन है। चिदंबरा दोस्तों हिंदी में आपको पता है, जब ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है हिंदी की रचना के लिए, तो सबसे पहले मिला चिदंबरा के लिए। और ये किसकी रचना है, तो ये है दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी की। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी की है और आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसे कब मिला दोस्तों, तो इसे मिला 1968 में। ठीक है, अब आपको कैसे याद रख लेना, आप कई बार पढ़ चुके लेकिन भूल जाते हो, लेकिन अब आपको कभी नहीं भूलने वाले, आपको याद रखना है कि चिदंबरा के पंत 68 के हो गए हैं। क्या करना है आपको, चिदंबरा के पंत 68 के हो गए हैं। तो चिदंबरा पंत जी की रचना है और 68 में क्या मिला इन्हें, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। पूछा जाएगा कि चिदंबरा के पंत 68 के हो गए हैं, इतना याद रखना है सिर्फ आपको। ठीक है, तो याद हुआ आपको कि नहीं हुआ, क्या याद रखेंगे, चिदंबरा के पंत 68 के हो गए हैं। ठीक है, और बसी के रचनाकार बताना दोस्तों। और मतलब होता है हृदय, और बसी मतलब हृदय में बसी। अब बोले हृदय में बसी तो रात में बसी कि दिन में बसी, ये भी आपको बताना है। हृदय में बसी और में बसी, तो बोले सर रात में नहीं दिन में बसी। दिन में बसी तो दिनकर, है ना, और बसी दिन में बसी। ठीक है, तो दिनकर जी हो जाएंगे, दिनकर और दिन से दिनकर, और बसी रचना जो होगी वो दिनकर की होगी। और इसे 1972 में दोस्तों, 72 में क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब मैं आपसे कभी पूछूंगा कि उर्वशी के रचनाकार कौन है, बोले सर उर्वशी दिन में बसी, है ना, तो दिन में बसी तो दिनकर, ये चीज आपको याद रखने। बहुत ही बढ़िया रचना है और कई बार पूछी गई है। 1972 में से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कितनी नाव में कितनी बार। अब दोस्तों एक चीज बताना, आपको प्रश्न खुद कह रहा है कि उत्तर यहीं पर है, बोल रहा है ना कितनी नाव में कितनी बार, आपको खुद पता नहीं है कि कितनी नाव में कितनी बार आप बैठे हो, मतलब वो चीज क्या है, अज्ञेय है, अज्ञात है, है ना। प्रश्न ने खुद बोला कि उत्तर यहीं पर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कितनी नाव में कितनी बार, बोले अज्ञे से अज्ञे आपके रचनाकार हो जाएंगे। कितनी नाव में कितनी बार, अज्ञे, है ना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे इनका पूरा नाम है दोस्तों, और इनकी रचना है कितनी नाव में कितनी बार, अज्ञे जी की है। और 1978 में दोस्तों, 78 में क्या मिला इन्हें, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला अज्ञे जी को। ठीक है, तो अब मैं कभी भी आपसे पूछूंगा कितनी नाव में कितनी बार, बोले सर मुझे खुद पता नहीं है, अज्ञे है ये तो कि कितनी नाव में कितनी बार बैठ चुके हैं। ठीक है, तो अज्ञे। यामा के रचनाकार कौन है दोस्तों। यामा बहुत ही बढ़िया रचना है, कई बार पूछी गई है, और अपन बोलते ना यामा ऐसे करके बोलते, यामा तो माँ किससे बोलते, बोले महादेवी से बोलते, मैं तो महादेवी, है ना, यामा, माँ मतलब महादेवी, और महादेवी वर्मा इसकी क्या हो जाएंगी, रचनाकार हो जाएंगी। यामा कई बार पूछी गई दोस्तों, याद रख लेना, है ना, या और माँ तो आ ही रहा है, माँ, है ना, तो माँ से आपका महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा आपको पता है दोस्तों आधुनिक युग की मीरा इन्हें कहा जाता है। महादेवी वर्मा को छायावाद के चार आधार स्तंभों में प्रमुख मानी जाती है महादेवी वर्मा। ठीक है, और इन्हें दोस्तों कब मिला, 1982 में, 1982, और 82 बार महादेवी जी की पूजा करके आना, फिर आपका एग्जाम भी निकल जाएगा। कितने बार पूजन करना है, 82 बार, बोले सर पूजन तो ठीक, हम 82 नरियल चढ़ा के आएंगे, बिल्कुल चढ़ा के आना, ठीक है, 82, तो 1982 महादेवी वर्मा जी की
यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। ठीक है, अगला है दोस्तों, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? अब देखना दोस्तों, चार रचनाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, केवल चार रचनाओं को। ठीक है, हिंदी की केवल चार रचनाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और एक क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से बताइए हिंदी की किस एकमात्र महिला रचनाकार को किसी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो वो हैं महादेवी वर्मा, जिनकी रचना है यामा, और 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? दोस्तों नरेश मेहता होता है, नरेश मतलब होता है क्या, राजा। और आप कैसे याद रखोगे कि नरेश को बाण मार दिया, नरेश को बाण मार दिया, तो नरेश को बाण से हो जाएगा आपका बानवे, है ना। बोले बाण मार दिया किसको, नरेश को, तो नरेश को बाण मार दिया, तो 1992 में जो पुरस्कार मिलेगा इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। अब आप कभी नहीं बोला, है ना, नरेश को क्या मार दिया, बाण मार दिया, तो 92, ठीक है, 92 में इन्हें पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा निर्मल वर्मा को पुरस्कार कब मिला? दोस्तों निर्मल वर्मा को बताना है, और निर्मल वर्मा, ठीक है, कैसे याद रखोगे इसको, निर्मल वर्मा को मिला 1999 में। सीधा सीधा याद रख लेना, निर्मल 99 के हो गए हैं, कितने के हो गए हैं, निर्मल 99 के हो गए हैं, है ना। कैसे याद रखोगे, निर्मल 99 के हो गए, यानी कि 1999, ठीक है, याद रख लेना। अगर ट्रिक आप लिख रहे हो तो लिख जरूर लेना, निर्मल कितने के हो गए हैं, 99 के हो गए हैं। तो निर्मल वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो 1999 में मिला, ठीक है, याद रख लेना। और ना से निर्मल और ना से 99, ऐसे भी याद रख लेना, ठीक है, और निर्मल 99 के तो हो ही गए हैं। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? दोस्तों कुंवर, दोस्तों एक चीज बता दें कि किसी विशेष क्षेत्र में कुंवर को, जो जीजाजी होते ना, जीजाजी, उन्हें कुंवर बोला जाता है, कुंवर, है ना। और बोले मोरे एक कुंवर नहीं, कितने कुंवर हैं, पूरे 5 कुंवर, कितने कुंवर हैं, 5 कुंवर हैं। बोले कुंवर जी आ गए, कुंवर जी, है ना, तो कितने कुंवर हैं, 5 कुंवर। तो 2005 में कुंवर नारायण को क्या मिल गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कितने कुंवर हैं, बोल देना 5 हैं, ठीक है, कितने, 5 कुंवर। तो 2005 आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला, ये चीज भी आपको याद रखना। अगला है श्रीलाल शुक्ल एवं अमरकांत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? श्रीलाल शुक्ल संयुक्त रूप से इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों, और ये कब मिला, है ना। अब आपको पता है दोस्तों कि बहुत सारी माताएं होती हैं अपने लाल से बहुत प्यार करती हैं, वो चाहती हैं कि मेरा लाल अमर हो जाए। एक बार क्या हुआ, एक माता ने बोला भगवान से कि भगवान मेरे लाल को अमर कर दो। तो भगवान बोले नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोले, नो, लाल को अमर कर दो तो श्रीलाल शुक्ल, अमर कर दो तो अमरकांत, और नो से हो जाएगा 9, यानी कि 2009, ठीक है, याद रख लेना। क्या बोला कि मेरे लाल को अमर कर दो, भगवान ने बोला नो, तो 9, है ना, 2009, याद रख लेना। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो 2009 में मिला, है ना, नो नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपको दोस्तों ऐसा भी बताना है, जो ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगती है वो आप कमेंट में लिख के बता देना, ठीक है। केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? केदारनाथ सिंह, चार विकल्प हैं तो जल्दी से बता देना, है ना। आपने देखा होगा दोस्तों बहुत सारे लोग केदारनाथ जाते हैं, है ना, केदारनाथ जी जय बोले यात्रा पर गए हैं केदारनाथ जी, है ना। तो कैसे याद रख लेना है, मेरा दद्दा केदारनाथ गया है ज्ञान लेने, क्या लेने, मेरा दद्दा, तेरा दद्दा, सॉरी, तेरा दद्दा केदारनाथ गया है क्या लेने, ज्ञान लेने। तो केदारनाथ गया है तो केदारनाथ से, और तेरा तो 2013 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और ज्ञान लेने तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। तेरा दद्दा कहाँ गया है, केदारनाथ गया है ज्ञान लेने, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। ट्रिक आपको लिखते जाना है, है ना, ये कोई व्यक्तिगत कोई नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रिक है कि तेरा दद्दा कहाँ गया है, कहाँ गया है, केदारनाथ गया है। और दोस्तों दद्दा से याद आया कि दद्दा किसका उपनाम है, तो दद्दा उपनाम है मैथिली शरण गुप्त का, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का उपनाम है, इन्हें दद्दा भी कहा जाता था, है ना। और 13 में इन्हें केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये चीज भी याद रखनी है। कृष्णा सोपती को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, कृष्णा सोपती को, है ना, तो आपको बताना है 17 में सोपती, कैसे याद रखोगे, 17 में सोपती, 17 में सोपती,
है ना, सत्रहवें सोपती, इतना बस याद रखना, सत्रहवें सोपती। तो कृष्णा सोपती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और दोस्तों अभी तक 10 रचनाओं मतलब 4 रचनाओं और बाकी साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, हिंदी के 10 साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है ना। तो कैसे याद रखोगे, 17 में सोपती यानी कृष्णा सोपती, ठीक है। अब आपको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं उनके सन भी याद हो गए होंगे, किन को ज्ञानपीठ पुरस्कार रचनाओं को मिला वो रचनाएं भी आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। इसके पहले के वीडियो व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सब कुछ मैंने याद करवा दिया है दोस्तों, वो वीडियो जरूर देखें। और एक बार आप वीडियो देखेंगे कभी नहीं भूलेंगे। अब कभी भी आएगा कि कृष्णा सोपती को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो आप सीधा बता दोगे सर 17वें सोपती, 17वें सोपती, है ना। निर्मल 99 के हो गए हैं, निर्मल 99 के हो गए हैं, 13 दद्दा केदारनाथ गया है, तो केदारनाथ से 2013 में, अब आप कभी नहीं भूल पाएंगे, है ना, ऐसे भी याद रखना है। और पारिजात के रचनाकार बताना है, पारिजात, पारिजात के अभी चैलेंज प्रश्न है आपका, पारिजात के रचनाकार कौन है दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस रचना के लिए मिला है, मैंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी बताया है। और मैंने आपको बताया था कि पारी ऐसी खेलना है जिसका सिरा ना हो, जिसका सिरा ना हो, ऐसे याद भी करवाया था, तो मैंने हिंट भी आपको दे दी है। और यहाँ पर ये दोस्तों चार लेखक दिए हैं, है ना, इनके बारे में भी आपको बताना है, नासिरिया शर्मा, मृदुला गर्ग, नरेश मेहता, कृष्णा सोपती, इनकी एक एक रचनाएं भी आपको कमेंट में लिखनी है, ठीक है। और पारिजात को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, रचना किसकी है, ये सारा आपको लिखना है, सब कुछ लिखना, मैं सारे के सारे कमेंट आपके देखता हूँ, ठीक है। और वीडियो में सबसे अच्छी फनी ट्रिक आपको कौन सी लगी वो भी कमेंट में बताना है। और रोज 9:30 बजे दोस्तों आपकी सुबह 9:30 बजे ट्रिकी वीडियो आता है, हिंदी साहित्य, नेट, JRF, PGT, टेट, LT ग्रेड, RPSC सभी एग्जामों के लिए एक फनी ट्रिक, ठीक है। तो दोस्तों जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291 ये नंबर दिया है, इसमें आपको SMS करना है, MSG करना है व्हाट्सएप पर, तो आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और दोस्तों अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है अगर आपको, तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना, उसमें सर्च कर लेना IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है, और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक आपको जरूर करना है। आज का वीडियो कैसा लगा, जय हिंद।